के अंदर ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये आपके पूरे CGPA को बिगाड़ कर रख देगा। तो इसमें मेरे 60 out of 57 मार्क्स थे। तो मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि क्या इसका पढ़ने का सही तरीका होना चाहिए और क्या क्या छोटी छोटी मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है जिससे कि हम अच्छे मार्क्स ला सकें। तो सबसे पहले हम देख रहे होंगे रिसोर्सेज के बारे में, देन हम देखेंगे क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं एंड उनके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, और साथ ही हम देखेंगे कि आपको पेपर में किस तरीके से अटेम्प्ट करना है जिससे कि टीचर अच्छे मार्क्स दे। तो चलिए देखते हैं। तो यदि रिसोर्सेज की बात करें तो आपको इसमें कोई फालतू चीज़ें फॉलो नहीं करना है, जो टीचर पढ़ा रहा है आपको क्लास में उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। होता है कि कई कई कॉलेज में कई टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, जैसे हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया था सर ने और बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ाते थे सर, और किसी किसी कॉलेज में होता होगा कि ठीक से नहीं पढ़ाते होंगे, तो उस केस में आप यूट्यूब चैनल का सहारा ले सकते हैं। वैसे अच्छा पढ़ा रहे हैं तब भी आप घर आकर यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। यूट्यूब चैनल का नाम बताऊं तो पहला टिकलेस अकेडमी है जिससे मैं पढ़ता था, काफ़ी बढ़िया लेक्चर्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। सेकेंड मानस पटनायक सर का है, वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से पढ़ा देते हैं, तो आप दोनों में से कोई सा भी फॉलो कर सकते हो। बुक की बात करें तो ज़्यादातर कॉलेजेस के अंदर एनडी भट्ट चल रही होती है, उसी में से लगभग सब कुछ आता है। आप प्रैक्टिस के लिए वो देख सकते हो, और साथ ही अग्रवाल एंड अग्रवाल बुक आती है, वो भी आप देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया आपको वहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले थोड़ा मैं प्रॉब्लम के बारे में बता दूँ, तो पहली प्रॉब्लम तो यही आती है कि लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आते क्योंकि उनके बेसिक क्लियर नहीं होते। तो सबसे पहले आप बुक से या यूट्यूब चैनल से थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर लें। टिकलेस अकेडमी पे आपको फर्स्ट वीडियो हर टॉपिक का जो मिलेगा उसमें पूरा बेसिक दिया होता है, तो वो वीडियो आप ज़रूर अच्छे से देख लें। और आपको ये बायवा में भी काम आ रहा होगा क्योंकि बायवा में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं नॉर्मल से। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है मेजरमेंट की, क्योंकि इसके अंदर हमें थोड़ा सा मेज़र करना पड़ता है लेंथ, ये सारी चीज़ें, तो हमें बेसिक इसका आइडिया होना चाहिए और ये सब नॉर्मल सी ड्राइंग बनाना हमें आना चाहिए। और इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एग्ज़ाम के अंदर कि इसमें थोड़ा सा टाइम कम पड़ जाता है, तो टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन सभी के बारे में हम स्ट्रेटजी के अंदर देखेंगे। तो थोड़ा सा आप एक पेज लेके उसमें पॉइंट नोट कर लेना, आज थोड़ा मार्कर ख़राब हो गया तो ऐसे बनाना पड़ रहा है, लेकिन आप पॉइंट नोट्स करते रहना तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारी स्ट्रेटजी के अंदर पहला पॉइंट आता है क्लास के अंदर आपको अटेंटिव रहना है। जब भी टीचर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है, कंसेप्ट बता रहा है, तो हमें थोड़ा सा दिमाग खोल कर उसे सीखने की कोशिश करना है। फिर जितना हमने वहाँ सीखा उसके बाद आ जाना है आपको अपनी बुक्स पर। साथ में जब आप क्लास जाओ तो एक बुक लेकर जरूर चले जाना कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो आप बुक्स में भी देखते रहो, क्योंकि टीचर इतना ज़्यादा आपको थ्योरी नहीं बताएगा और समझा देगा ये स्टेप करना है, इस तरीके से इस चीज़ को हमें सॉल्व करना है, लेकिन आपको बुक के अंदर पूरी स्टेप बाय स्टेप थ्योरी मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पढ़ भी सकते हो कि ये क्या कहना चाह रहा है, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो बुक ज़रूर रख लेना है। सेकेंड, अब आपको क्लास में पूरा कर लिया जो भी समझ में आया ठीक है, और जब आपकी ड्राइंग बुक रहेगी उसमें बीच बीच में डब्बे बना लिया करना, जो भी टीचर बोला है इम्पोर्टेंट पॉइंट डब्बे के अंदर लिख लिया अपनी लैंग्वेज में कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस मेथड के क्वेश्चन आएंगे तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। आपको क्लास के अंदर समझ में नहीं आया फिर आप हेल्प ले सकते हैं यूट्यूब चैनल की, आप टिकलेस अकेडमी से देखना, काफ़ी बढ़िया तरीके से समझाते हैं। उसका पहला वीडियो देखा, पहला वीडियो में वो पूरा बेसिक बता देते हैं, उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपने नोट कर लिए, फिर एक दो क्वेश्चन करवा देते हैं टिकलेस अकेडमी वाले, तो वो कर लिए आपने। उसके बाद आपको अपनी बुक पर चले जाना है, बुक के जो भी सॉल्व एग्जाम्पल हैं उसमें बहुत सारी वेराइटीज देते हैं, तो आपको पूरी वेराइटी के क्वेश्चन कर लेने हैं, और क्वेश्चन करते टाइम भी आपको ध्यान रखना है जो आपकी क्लास में करवाएं सर ने उसी तरह के होना चाहिए। अगर कोई ज़्यादा लेवल जा रहा है हाई तो उसे छोड़ सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप मैकेनिकल सिविल से हो तो आपको बाद में थोड़ा काम में आएगा, लेकिन और अगर आप कंप्यूटर इन सब ब्रांच से हो तो आपको इतना ज़्यादा काम नहीं आने वाला। सिर्फ हमारा टारगेट रहेगा कि थोड़ा सा हम इससे सीख लें और हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएँ। तो बस अगर आपने इस तरीके से पढ़ लिया तो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। पहले आपको क्लास में जो भी पढ़ा रहे हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ना है, उसके शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं अपने हिंदी लैंग्वेज में कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो ये स्टेप्स रहेंगे। उसके बाद नहीं आता तो यूट्यूब चैनल से देख के जो भी पहला वीडियो रहेगा, पहला दूसरा सर का, उसमें पूरा बेसिक रहेगा, वहाँ से आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेने हैं और अपनी थोड़ा सा मेथड बना लेनी है कि सर जो बोल रहे हैं
अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से मैं सॉल्व कर दूंगा, स्टेप वन में ये होता है, ये होता है, ये होता है, ताकि जब आप बाद में देखो तो आपको याद आ जाए। और बहुत टाइम हो जाता है तो हम वो चीज़ें भूल जाते हैं। ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में पढ़ लिया, थोड़ा लंबा टाइम खिंच गया तो वो सब भूल गए और पता ही नहीं चला, फिर दोबारा से लेक्चर देखने बैठ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी से पूरा क्लियर करते चलो, नोट्स बनाते चलो, ताकि आपको बाद में भी सब कुछ हो जाए। और उसके बाद जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं वो आप देख लो कि इसमें किस किस टाइप की वैरायटी आती है। और ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस हैं वो ही उठ कर रिपीट हो जाएं या उसी से मिलते जुलते आएँ। तो उस टाइप की आप वैरायटी देख लें और अपने से थोड़ा सॉल्व करके देख लें, ताकि आपको बाद में एग्जाम में ज़्यादा टाइम ना लगे और मेजरमेंट में भी ज़्यादा टाइम ना लगे। और इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर हमें असाइनमेंट भी बनाने होते हैं, बड़ी बड़ी सीट्स रहेंगी, काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसमें करने होते हैं। तो वो भी एक अच्छा तरीका रहता है कि आपने जो भी सीखा है आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। और इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर आपको असाइनमेंट्स बनाने होते हैं, काफ़ी सारे असाइनमेंट्स रहते हैं, तो वो आपके पास एक अच्छा तरीका रहता है कि उन्हें जो भी क्वेश्चन सर हैं उन्हें अपने से सॉल्व करके देख लेना, ताकि आपकी वहाँ पर प्रैक्टिस भी हो जाए और आपके असाइनमेंट भी बन जाए। ये बहुत बढ़िया तरीका रहता है। ऐसा मत करना किसी दूसरे दोस्त ने किए उसके टिप लिए आपने, तो ऐसा मत करना, अपने खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, ताकि आप अच्छे से हो जाओ। मैंने लगभग अपने जितने भी क्वेश्चंस थे ज़्यादातर सॉल्व कर लिए थे, तो मेरे को प्रैक्टिस हो गई थी, हर चीज़ का पता था, इसलिए मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे इसके अंदर। तो अब बात करते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर को हमें कैसे अटेम्प्ट करें कि जिससे हमारा टाइम मैनेज हो जाए और हमें एक मैक्सिमम आउटपुट देखने मिले। तो सबसे पहले रहता है कि जैसे ही आपके पास सीट आती है, जो भी आपको बॉर्डर मॉर्डर बनाना है, ज़्यादातर में बनाना रहता है, तो आपने बॉर्डर मॉर्डर बनाई, जो भी बॉक्स बनाना है, नाम वाम लिखा जल्दी से, जैसे ही पेपर आया पेपर पूरा पढ़ लिया कि क्या क्या है इसमें, और जो भी आपको इजी लग रहा है, एक भी बार में समझ में आ गया तो इसे तो मैं फटाफट कर दूंगा, उसे लिया आपने। और थोड़ा सा इसमें आप जगह भी बचा के, और थोड़ा सा आपको इसमें मेंटेनेंस भी करना पड़ता है, सीट के अंदर ही बनाने रहते हैं हमें, तो मेंटेनेंस करके चलना है। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन को पूरी सीट में फैला दिए, आपको बांट लेना है कि इतने क्वेश्चन हैं मेरी सीट के अंदर कहाँ कहाँ पर बन जाएंगे, और दोनों साइड भी आप सीट के कर सकते हो। तो इतनी सीट में ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, इतनी सीट में ये वाला हो जाएगा, तो उस हिसाब से आप सॉल्व करने लगना। पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, अच्छे से मेजरमेंट लेना है, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और थोड़ा सा पेंसिल वो आप समझ ही जाओगे कि पेंसिल कौन सी यूज़ करना है, और रोलर स्केल का ज़्यादा यूज़ करना, मिनी ड्राफ्टर का मत करना, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, रोलर स्केल से स्पीड बहुत बढ़िया आती है। और उसमें देख लेना क्वेश्चन में कि जो हमारे टीचर करवाते थे उसमें क्या क्या चीज़ें लिखवाते थे, क्या क्या चीज़ें आपको उसमें ड्रॉ करनी है, और कुछ कुछ लिखना भी रहता है, किस तरीके से सर का लिखने का तरीका था, तो वो चीज़ें छोटी छोटी ज़रूर लिख देना, ताकि सर को भी लगे कि इसने मेरी सारी चीज़ें फॉलो की हैं, तो वहाँ से अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। देन आपको जो भी दूसरा क्वेश्चन आ रहा वो सॉल्व कर लिया। और इसमें एक और बात कि आपको काटअप बीटी बिल्कुल नहीं करनी है, और क्लियरिटी अच्छे से रखना, ऐसा गादा गुदी मत करना कि आप पेंसिल चला रहे हो फिर मिटा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप घर पर प्रैक्टिस करोगे, अपने असाइनमेंट में प्रैक्टिस करोगे, तो अपने आप ही स्पीड, टाइम मैनेजमेंट सब कुछ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक और बात कि पेपर में जाने से पहले जो भी आपके औजार रहते हैं उन्हें अच्छे से तैयार कर लेना, जो भी आपकी पेंसिल रहती है उन्हें छोल के रख लेना, और जो भी स्केल है हर चीज़ आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दोस्त से मांग रहे हो और फिर दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपके पास सब कुछ होना चाहिए। और पहले से ही तैयार कर लेना सब कुछ कि जैसे ही पेपर आएगा मुझे सिर्फ सॉल्व ही करना, ये फालतू चीज़ों में टाइम नहीं देना, तो वहाँ से भी आप बहुत कुछ टाइम बचा सकते हो। और लास्ट में एक और टिप और लेते जाओ कि आपके असाइनमेंट रहते हैं उन्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, अगर फेल होने की कंडीशन बनती है तो टीचर असाइनमेंट देख कर आपको पास कर देता है, तो असाइनमेंट बहुत अच्छे से बना के रख लेना, और टीचर से थोड़ा सा बना के रखना, ऐसा गुस्सा मुस्सा मत होना कि कहीं लड़ गए, तो ऐसा मत करना, क्योंकि बायवा के मार्क्स वही टीचर दे रहे होते हैं, तो बिल्कुल भी मत करना, थोड़ा सा बना के रख लेना, आपको बायवा में अच्छे मार्क्स मिल जाएँ और थोड़ा सा आपको फ़ायदा हो। तो इन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, अगर आप इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हो तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और बहुत ही अच्छा आपका CGPA खिंच जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये हमारा Day 4 था, अब हम Day 5 के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहे होंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्प करेगा, और अगर आपको स्टडी मटेरियल देखना है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख सकते हो, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।
तो मेसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।